अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर स्पेशल प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान। और मैं हूँ आपकी सहेली मीरा ज़ीशान। और हम ये सहेलियाँ आज फिर से मिल रही हैं कैमरे के उस पर बैठी उन सहेलियों से, नाजरीन से, खूबसूरत व्यूअर्स से, जो सिर्फ वन कॉल अवे है। इस शो का हिस्सा बनेंगे लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को बस इस्तेमाल कीजिए जल्दी से और शुरू कीजिए अपनी कॉल्स, अपने मैसेजेस का जो फॉर्मेट है, क्योंकि आज होने वाली है बहुत मज़े की गपशप। तो चलिए प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं और आपको आज मिलवाते चलूँ अपनी एक्सपर्ट से, अपनी आयरन लेडीज से। आज हमारे साथ है मिस लाला रुख, जो कि बहुत ही खूबसूरत, टैलेंटेड पामिस्ट्री, शी इज़ अ पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, साइकिक माइंड रीडर और तो और उसके साथ टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं। और हमारे साथ हैं आयशा शाहिद शेख, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पिछले 8 साल से क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना लोहा मनवा रही हैं। और इसके साथ हमारे साथ है नर्सिंग डिपार्टमेंट की सुपरवाइज़र, जो करंटली गंगाराम में एज अ नर्स सुपरवाइज़र काम कर रही है। पिछले 30 सालों से, बल्कि मोर देन 30 ईयर्स से वो नर्सिंग के पेशे में है। साजदा इमरान की बात कर रही हूँ, साजदा इमदाद की बात करें, लेकिन उन्हें सब कहते हैं सिस्टर साजदा इमदाद। और हमारे साथ है कवल चीमा, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल किया है, सिस्को में काम किया है एज अ ग्लोबल अकाउंट्स डायरेक्टर बैक इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर देन 14 ईयर्स, लेकिन आजकल शी हैज़ कम बैक टू पाकिस्तान और एज एन एंटरप्रेन्योर काम करी है फॉर माई इम्पैक्ट मीटर, जिसकी वो CEO है। जी क्यों मीरब, आज हम बहुत मज़े की बातें करने वाले हैं। मुझे तो बस लगता है कि कुछ ना कुछ मज़े का होने वाला है आज। आज बुशरा, जैसा आपने कहा कि कुछ ना कुछ मज़े का होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए। क्योंकि जितनी भी इस वक्त हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं, आयरन लेडीज़ हैं, और एक चीज़ बहुत कॉमन है सब में कि सब वर्किंग लेडीज़ हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, यानी कि जो काम करती हैं, जो कमाने घर से बाहर निकलती हैं, उनको बेसिकली वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको काम तक जाने के लिए, कोई काम ढूंढने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस को हम लोग ख्वातीन के लिए महफूज कैसे बना सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर ना आए। सेकेंडली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बुशरा, कि अगर हम बात करें फीमेल बॉसेस की, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक फीमेल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उसके अंडर काम करने वाले मेन हैं, यानी मेल स्टाफ है, तो उनका क्या बिहेवियर होगा उसके साथ, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो उनको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट के अगर आपकी फैमिली ऐसी है जो मॉडर्निज्म को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है, बट यू आर वर्किंग एट अ प्लेस जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू ड्रेस फॉर्मल, तो आप क्या पहन सकते हैं, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको अपना लिबास कैसे मेंटेन करना चाहिए। आज हम इन तमाम मसलों के बारे में बात करने वाले हैं बुशरा। बहुत ही डीप और सेंसिटिव टॉपिक आपने स्टार्ट लिया है। बिल्कुल, वर्क इशूज़, जो वर्क प्लेस पे चैलेंजेस होते हैं पूरे के पूरे ममालिक को, पूरे के पूरे ग्लोब को जो हम ले लेते हैं ना, तो बहुत से इशूज़ हैं। सारे के सारे जो खवातीन घर से बाहर कदम रखती हैं तो वहीं से उनके चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। और खवातीन के लिए इतना मुश्किल होता है, हर किस्म के नीटी ड्यूटी चैलेंजेस हैं जो कि रिलेटिव है। किसी के डेजिग्नेटेड पोजीशन से लेकर हैं, किसी के प्रमोशंस है, इंक्रीमेंट्स है, अप्रिसिएशंस है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, खाने पीने का है, जो अनमैरिड उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, जो मैरिड उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। और तो और अगर कोई बॉस लेडी बनने वाली हो या बन जाए, तो जो सर्टन का जो सारा एनवायरनमेंट होता है वो उसको एक्सेप्ट कितना करता है, डाइजेस्ट कितना करता है, वो एक अलग लॉबी बन जाती है। बिल्कुल, तो इतने चैलेंजेस हैं। और आज हम जानेंगे, हमारे साथ सारी की सारी वर्किंग लेडीज़ हैं और माशाल्लाह पिछले कितने सालों से काम कर रही है, अपने अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवा रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। ऑफकोर्स इसके साथ साथ मैं बताती चलूँ, हमारे हमें एक और गेस्ट ने, डॉक्टर शिवाना ने भी हमें ज्वाइन किया है ऑडियो पे, हमारे साथ ही होंगी वो, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, वीडियो लिंक पर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शिवाना, वेलकम टू मेरी सहेली जी। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं चाहूँगी कि कवल चीमा सबसे पहले अपना इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बताइए और नेशनल एक्सपोजर भी बताइए कि वर्क प्लेस पे क्या चैलेंजेस एक औरत को, एक अनमैरिड को, एक मैरिड को होते हैं। आपने एक बहुत डीप सवाल किया है और आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि वो औरत अपने करियर के कौन से स्टेज पे है। हर स्टेज पे औरत को चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं कुछ समराइज, एक हम पिछले साल एक वुमेन प्रोग्राम हुआ March 8 को, जो वुमेन्स डे होता है उस पर, और मैं एक पैनल में बैठी हुई थी और मैंने कुछ चैलेंजेस बोलने शुरू किए जो कि एक वुमेन लीडर को होते हैं वर्क प्लेस पे। और वहाँ पे पूरा हॉल भरा हुआ था ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लेडी एंटरप्रेन्योर्स, लेडी लीडर्स एक्सेट्रा। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो एकदम से एक बज आ गई और वो यूरिका मोमेंट नहीं होता कि एवरीबॉडी इज लाइक ओह यस यस अगर थोड़ा सा समराइज करूँ तो देखें, एक
जो चैलेंज ये है कि जब व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर फील्ड, इफ़ यू आर रियली गुड एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर फील्ड, तो लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो इतनी तरक्की हो रही है, हाँ, उसके पीछे कोई ना कोई और वजह है, कोई वजह है, बिल्कुल। और स्पेशली अगर आप थोड़े से प्रेजेंटेबल हैं तो लोगों को लगता है कि ये कैसे इतनी जल्दी ग्रो हो गई, क्या हो गया, क्या इसके पीछे क्या राज है, एंड पीपल स्टार्ट मेकिंग अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टोरीज। अच्छा, ये बात क्यों एक आदमी से नहीं पूछी जाती? यंग आदमी भी ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन देयर करियर, बट दे डोंट गेट आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि भाई इसके पीछे क्या वो था, ठीक है? तो ये औरतों के साथ एक यूनिक चैलेंज है कि जिसमें यू नो लोग उसकी ग्रोथ को, उसकी सक्सेस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ओ शी इज गुड लुकिंग, इसने डोरे डाले होंगे किसी पे, इसने उसको फंसाया, so उसको true, किया, so true. और इस वजह से जो है डाइजेस्ट एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ना कि अ वुमन कैन सक्सेसफुली पॉजिटिवली make an excellence remark in the field. Exactly. Yes. दूसरा ये होता है कि अगर आप देखिए networking से काम चलता है ना, especially जो corporate field है, you have to get to know a lot of people, you have to network, और इसी तरह आप किसी को कोई favor देते हैं, कोई आपको favor देता है, etc. मगर औरत के साथ ये unique challenge होता है कि जब वो networking field में भी आती है या favors लेन देन शुरू होती है, तो बहुत सारे लोग उसको भी मिसइंटरप्रेट करते हैं। अगर आप किसी से फेवर मांगते हैं, उसको भी लगता है कि यार ये तो मेरे साथ, तो मुझसे फ्री होके बात की, मेरे साथ तो सेट हो गई है, मेरे साथ तो ये हो गया, माइंड में कुछ और है, माइंड में कुछ और है, व्हाई कैन यू नॉट डील प्रोफेशनली। अब देखें, बहुत सारे आदमी भी जो है वो किसी दूसरे आदमी से कोई ना कोई यू नो नेटवर्किंग करेंगे, उसे कहेंगे अच्छा वहाँ पे आप किसी को जानते हैं, वहाँ पे कोई मेरी बात कर दे, ये हो जाए वो हो जाए, मगर उसके बारे में कोई वो ये नहीं कहेगा। मगर अगर औरत यही काम करेगी तो उसके बारे में ये बात होगी, अच्छा अगर वो फेवर दे भी दे, उसके बाद उन्हें लगेगा अब तो मेरा हक है इसके ऊपर, अब तो मैंने जो है, क्योंकि मैंने ये फेवर दिया था या मैंने ये काम किया था इस औरत का, तो अब तो मैं इसको कभी भी कॉल कर सकता हूँ, किसी भी बात कुछ भी कह सकता हूँ, एक्सेट्रा। तो वो चीज़ हो गई, ये मसला। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर जब तक तो आप इक्वल होते हैं ना किसी के, वो आपको कोई मेंटोर भी कर रहा है एक्सेट्रा, मगर जब आप किसी से नीचे होते हैं, सॉरी, जो ही उनको लगता है कि आप उनके इक्वल आ गए या आपसे इक्वल जा रहे हैं, तो वो जो मेल ईगो और मेल इनसिक्योरिटी है एकदम से किक इन होती है, वो एक अलग से एक लॉबी, उसको हम पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, उसको हम चैलेंजेस भी कह सकते हैं, वो आ जाती है। एग्जैक्टली। जैसे सिस्टर साजदा भी मौजूद हैं और आपकी फील्ड ऐसी है कि आप बहुत सारी औरतों को वहां पर देखती हैं जो आपके पास एज अ पेशेंट भी आती होंगी, डेफिनेटली आप उन्हें डील करती हैं, फिर आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है बीइंग अ सुपरवाइजर, अब आप काम कर रही हैं, तो डू यू थिंक कि कुछ ऐसी फील्ड्स भी हैं जहां पर ख्वातीन को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है या उनको ज़्यादा जज किया जाता है? जी, उनमें से एक तो ये नहीं कि मैं नर्सिंग को रिप्रेजेंट कर ली हूँ, बट वन ऑफ दीज प्रोफेशन नर्सिंग है, कि जब कोई लड़की नर्स बनना चाहती है, पहले तो उसकी फैमिली उसको ऐसे देखती है, नर्स बनेगी, वो उन्हें डिस ऑन कर मतलब देते, एक्सेप्ट नहीं करते कि नर्सिंग, एक्सेप्ट नहीं करते कि नर्सिंग इज अ प्रोफेशन। बिल्कुल। और सबसे पहले घर वाले आपको, हालांकि नर्सेज यूजली घर वालों को सपोर्ट करने के लिए नर्सेज, एक लड़की को तो कुछ नहीं चाहिए होता, वो जिद करके घर बैठे जी ठीक है मुझे पढ़ाओ लिखाओ कुछ बनाओ, लेकिन नर्सेज यूजली दे आर विद वेरी गुड हार्ट फॉर अदर्स, अदरवाइज तो बड़े प्रोफेशंस पड़े हैं ना, तो सबसे पहले फैमिली आपको अपोज करती है, आपको डिसऑन कर देते हैं, बताते नहीं है कि जी काम लेना है, कि जाएं जी पेशेंट चेक कराएं, हमारी आपा उधर लगी हुई है, हमारी बाजी है, हमारी कजन है, हमारी जानने वाले। इवन आई हैव सीन सम गर्ल्स के उनके हस्बैंड दे आर एंजॉयिंग देयर इकोनॉमी एंड एवरीथिंग स्टेटस, बट व्हेन दे कम इन हॉस्पिटल और देयर फैमिलीज वो कहते हैं डोंट रिस्पेक्ट दे, इवन दिस मैंने एक दफा आई हैव बीन वर्कड एज लिटिगेशन ऑफिसर एंड एज अ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लास्टली मंथ्स में, तो द गर्ल आई नो हर एंड हर हस्बैंड, her husband came in MS office and he said ke she is my cousin and she has this problem, I was surprised, ye to unke husband ne inkar kar diya, unko wife aur maine kaha ki what is this, ab I don't want to tell her name, to wo kehti hai ki aap hi wo aapko pata hai acche theek thak family hai, to maine kaha you are a officer, you are executive officer and you have a bright future, you will go till 20th scale, तो आप काम हो किसी से,
तो कहते बस वो नहीं ना, वो नहीं बताते किसी को भी कि जी मेरी बीवी नर्स है ना, तो इस तरह से है अभी तक। हालांकि पहले स्टिग्मा बना हुआ है, ये स्टिग्मा और हालांकि पहले ये था, व्हेन आई केम इन नर्सिंग इन 1990 आई वाज मैट्रिक विद साइंस विद गुड मार्क्स, अच्छे ये क्राइटेरिया था। अभी एफएससी है और बहुत हाई प्रॉपर कोर्सेज करवाए जाते हैं जी। नहीं, फाइव जब मैंने पढ़ा तब 4 इयर्स की स्टडी थी और अभी 5 इयर्स की है, यानी इट्स अ डिग्री प्रोग्राम, प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही, और आप देखेंगे नर्सिंग के अलावा देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, जैसे आपके बुशरा जैसे बस होस्टेस होती हैं, फ्लोर मैनेजर होती हैं, रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं, जज किया जाता है। फील्ड्स हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं करी रियलिटी, हालांकि वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आप देखिए नर्सिंग एक ऐसा शोभा है जिसमें इतना खूबसूरत काम करती है नर्सेज, और वो हेल्प कर रही थी पेशेंट्स की जो उनके अपने करने से पहले 2 बार कतराए, 2 बार सोचे, and that's a very respected field. हमें तो मतलब सलाम पेश करना चाहिए तमाम नर्सिस को। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिवाना को ऐड करती हूँ, she is on video link with us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच, आज का तो टॉपिक बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया ये टॉपिक, मुझे पता था आपको आएगा। और मेरे पास एक बहुत ही एक्सटर्न क्वेश्चन, मैं कह दूँ सीरियस क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि आप तो ऑलरेडी यू आर अ यूएस डॉक्टर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, तो ये बताइए कि इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में ये जो वर्क प्लेस इश्यूज हैं उसमें सैलरी के इश्यूज कितने आते हैं, जिस सैलरी की जो डिमांड है ईस्ट और वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? जी जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जितने लोगों ने भी पहले बोला कि सिर्फ औरत होना आपको ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जेंडर की बेस पे। जब आप घर से बाहर पांव रखते हैं तो मल्टीपल बैरियर्स आते हैं जिसमें आपके घर की सपोर्ट चाहिए होती है। घर की सपोर्ट मिल जाए तो जाके आपको मनवाना पड़ता है कि आप अपनी अहलियत और काबिलियत पे मेरिट पर आए हैं। अगर आपने कहीं सिफारिश लगा के ऊपर चले गए तो फिर तो आपको डेफिनेटली यूज एंड अब्यूज किया जाएगा। अब देखें, हम जब सैलरी की बात करते हैं ना तो एक बात ये जरूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि आदमी और औरत अगर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से अब मुझे माशाल्लाह यूएसए में कितने डेकेड्स हो गए हैं काम करते हुए, तो जो आप आवर्स पुट इन करते हैं ना, अगर आपका मैरिट टेक है, आपकी सेरिब्रल पावर और जो वैल्यू एंड स्किल सेट आप टेबल पर ला रहे हैं उसके मुताबिक आपको सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखें, यहाँ पे हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अब अगर लड़की पाकिस्तान में या किसी ऐसे कंट्री में है जहां वो कहती है कि 7 बजे के बाद तो रात हो जाएगी, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, जबकि आदमी कहता है मैं ओवर टाइम करूंगा, वो कहता है मैं ट्रैवल करके दूसरी स्टेट में जा सकता हूँ, वो वाली ड्यूटीज दे सकता हूँ, कि जो औरत सिर्फ इसलिए क्योंकि वो औरत है और उसको अपने घर की इजाजत चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए, वो नहीं कर सकती अकेले सफर, या कोई भी रीजन हो सकती है। आपने 5 घंटे काम किया, अगले ने 10 घंटे काम किया, अपना वैल्यू सेट कोई और वो टेबल पर लेकर आया, तो फिर सैलरी का और प्रमोशन का जो चांसेस हैं वो आपके वैसे भी कम हो जाएंगे। अब सैलरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। अमेरिका के अंदर जब आप कहते हैं ना कि हमें सैलरी बराबर चाहिए, हमें हक बराबर का चाहिए, तो आप ये समझ लें कि यहाँ का मसला क्या है। यहाँ का मसला ये है कि यहाँ की औरत जो है कभी कभी सिंगल मॉम होती है, वो प्राइमरी अर्नर होती है, उसने घर का खर्चा चलाना होता है, वो घर से बाहर मर्द बनी होती है, और फिर उसको वो राइट्स चाहिए होते हैं जो मर्द बन के वो काम कर रही होती है। उसने 18 साल के बच्चे यहाँ से अलग हो जाते हैं, वो माँ बाप का खर्चा नहीं उठाते। हमारे कल्चर में जो औरत है उसके ऊपर प्राइमरी मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, उसको प्राइमरी अर्नर नहीं होना होता, वो 10 लोगों का खर्चा नहीं उठा रही होती। उसने अगर मेटर्निटी लीव लेनी है, उसने घर बैठना है, और वो उस अग्रेसिवली अपने करियर को परसू नहीं कर सकती जिस तरह के मर्द करते हैं। मर्द ने आपके कल्चर में 100 बंदे का खर्चा उठाना है, तो फिर डेफिनेटली सैलरी भी फर्क हो जाएगी। तो इसलिए जितना पावर, जितने आप आवर्स पुट इन करेंगे, जितनी आप, अब देखें मैं एज ए सर्जन कभी कभी नई सर्जरीज आती हैं और मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं कह देती हूँ कि मैंने फलां स्टेट में जाके सर्जरी की वो नई टेक्निक नहीं सीखनी, एज कम्पेयर टू जो मेल सर्जन है वो जाके 10-10 दिन बाहर जाके वो करते हैं। सैलरी फिर आपकी जो वैल्यू सेट ला रहे हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। अगर आप इक्वल ला रहे हैं, इक्वल होनी चाहिए। फॉर व्हाटसोएवर रीजन अगर आप नहीं ला रहे तो फिर सैलरी आपने मर्द जितनी कैसे आप मांग सकते हैं? देखिए ना कि पीछे डायनेमिक्स क्या है।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे साथ आयशा शेख भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे ख्याल से कि आप जज कर सकते हैं कि आपके पास यकीनन बहुत सी ख्वातीन आती होंगी और वो आके अपने मसले लेकर आती होंगी, स्पेशली उनमें वर्क प्लेस इशूज़ भी होते होंगे, तो यूजली किन प्रॉब्लम से जो है वो ख्वातीन ज़्यादातर गुजरती हैं? मोस्टली जो देखा जाता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि वर्क एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भी काम नहीं हुआ, हम एजुकेशन में इस हवाले से काफ़ी पीछे हैं। अगर देखा जाए तो मॉरल वैल्यूज़ भी अभी इनकॉर्पोरेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, कुछ डेकेड्स लग जाएंगे ताकि लोगों को समझ आए। तो वहाँ पे वर्क प्लेस हरेसमेंट में बुलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। बहुत से जो बॉसेज होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, ख़वातीन अगर तरक्की कर रही हैं या जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि वहाँ पर उनके उनको वो तो शक की निगाह से देखने लग जाएंगे या उनको और प्रेशर ऑन करना शुरू कर देंगे या उनको ज़्यादा मुश्किल काम देना शुरू कर देंगे ताकि उनकी क्वालिटी में फ़र्क आए। फिर इस लिहाज से एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर देखा गया कि फेवरेटिज्म का जो बहुत ज़्यादा एक माहौल है काम के साथ, काम के अंदर, काम की वर्क प्लेसेस के अंदर, विच इज़ द रीज़न कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ों में ख़वातीन अगर बेहतर काम करने के काबिल भी हैं तो वहाँ पर उनकी जगह पर किसी और को तरजीह दे दी जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत से मौके नहीं भी मिलते। ये चीज़ आती है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अगैन मैं इनकी बात को रोल ऑन करना चाहूँगी कि क्योंकि मॉरल्स की कमी है तो वहाँ पर बहुत से लोगों को अभी तक इस चीज़ की ये समझ नहीं है कि अगर कोई ना कह रहा है तो मतलब ना ही है, एंड यू हैव टू टेक दैट नो एज अ स्ट्रिक्ट आंसर। अगर आप उसको नहीं ले रहे और उसको आप प्रसू करते जा रहे हैं, किसी को तंग करते जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत तंग करती है। बहुत से केसेस हमारे पास इस तरह के भी आते हैं जहाँ पे वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि ख़त्म हो जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि वो रिवेंज सीकिंग और तंग करना, स्टॉक करना जो होता है उसका एक सिचुएशन शुरू हो जाती है, जो कि और ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस का बायस बनती है। इवेंचुअली ऐसा भी होता है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी अपनी घर की उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इवेंचुअली जॉब तो उनको छोड़नी पड़ती है। एंड इट इज़ ऑल्सो बीन सीन कि अगर इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं तो हमारे बहुत सी जगहों पर एचआर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल माहौल नहीं है कि उनको सिक्योर किया जा सके। एक्चुअली राइट कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो तो आप बहुत और बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं कि वर्क प्लेस इश्यूज पे जो बातें हमारी सहेलियां एक दूसरे के साथ खुल के नहीं कर सकती और उनको ये लगता है कि सामने वाला जज करेगा, वो आपके पास क्लाइंट साथ है पर्सनली, आप पे दिल की बात शेयर करते हैं, दैट्स रियली काइंड ऑफ यू कि आपने यहाँ पे हमें बताया। और कैसे मिसाइल हमारी हो रही है, हमारी जो ख्वातीन है उनमें आप देखें कि हिम्मत कितनी है। जैसे डॉक्टर शिवाना हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, वो जहाँ पर है वहाँ पर इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं और आप उनकी हिम्मत देखें कि शी इज फ्रेश, राइट? बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवाना कि आपने हमें अपने रात के इस टाइम तकरीबन 2:30 बज रहे हैं पर आपने हमें ज्वाइन किया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, सो ग्रेटफुल, वी आर सो ग्रेटफुल। और इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि जो मसाइल है इंटरनेशनल, बल्कि मैं चाहूँगी कि लाला रुख से भी हम भी क्वेश्चन करें, डॉक्टर शिवाना आपकी तरफ भी अभी हम आते हैं। लाला रुख जनाब जी, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में ही इनका कि पामिस भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, साइकिक माइंड रीडर भी है, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताई वो मैं आप सबको बताती चलूँ कि इनके पास क्लाइंट है जो कि आजकल हमारी माशाल्लाह सीएम पंजाब, फर्स्ट लेडी सीएम पंजाब है, मिस मरियम नवाज भी आपकी क्लाइंट है। तो ये बताइए कि मरियम नवाज तो आपकी क्लाइंट है ही सही, लेकिन उनका जो सीएम का टेन्योर है वो कब तक रहेगा और जो पाकिस्तान की औरतों के मसाइल है वो कब तक आपको लगता है कि ठीक होंगे? पहले मैं सबसे ये बता दूँ कि मैं 36 ईयर से सिंगल पेरेंट एंड अ वर्किंग वुमन भी हूँ। माशाल्लाह, फर्स्ट जॉब कराची में एयरपोर्ट पे था एज अ ग्राउंड होस्टेस फॉर एयर फ्रांस एंड लुफ्थांसा। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और 2 बच्चों को बड़ा करना अकेले, एंड आई वॉज अ सिंगल ब्रेड अर्नर, एंड द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड ऑल इन ऑल माई करियर, एंड आई हैव हैड अ मल्टी डायमेंशनल करियर, बिकॉज 2-3 चीज़ें थी जो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी, बुलिंग, हरासमेंट, बींग यंग एंड बींग अ विडो। लोग समझते हैं बहुत ईजी टारगेट, अभी भी हमारे कल्चर में जो डिवोर्सीज लड़कियाँ हैं या जो निकलती हैं घर से ये सोच के कि माँ बाप पे बोझ ना बने, अपने बच्चों का खर्चा खुद उठाएं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू फ्रॉम इन इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। आपने थोड़ा सा हंस के बात कर ली, ओ फिर तो आप बस गए जी, यू आर सच अ बैड रेप्यूटेशन। सो हैविंग वर्कड विद सो मेनी पीपल ऑन सो मेनी लेवल्स, माई लास्ट में लाहौर के अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ वर्किंग वूमन, जब मैं यहाँ आई तो आई स्टार्टेड टीचिंग, बट एज द ईजिएस्ट प्रोफेशन टू फाइंड, वो भी मेरा सिफारिश के बगैर नहीं मिला, बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी वन इन पंजाब, आई मूव फ्रॉम कराची। सेकेंड जो मुझे मिला दैट वॉज विद अ मल्टी नेशनल कंपनी दैट वॉज ओपनिंग अ फर्स्ट कॉल सेंटर, और हम लोगों ने फर्स्ट कॉल सेंटर किया, तो वहाँ पर 100 लोग आए, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एनवायरमेंट। अब मसला ये है कि अगर हमारे पास किसी के पास नॉर्म्स नहीं होते या SOPs जिसको कहा जाता है कंपनीज में, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर नहीं है, तो आप किसी और कंपनी को लेके उनको फॉलो कर लेते हैं।
बट वी हैड टू क्रिएट SOPs रिगार्डिंग अमेरिकन कंपनी को यहाँ ट्रांसलेट करके पाकिस्तान से, जैसे फॉर एग्जांपल उनके लिए जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ईद बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, मैं कतई कलामी की माँ चाहती हूँ. अभी हमें हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जी जी फरमाइए. इस तरह है, आज खवातीन के वाले से बातचीत हो रही है. मैं आपका प्रोग्राम रोजाने की बुनियाद पर सुनता हूँ और बहुत प्यारे प्रोग्राम होते हैं, आपके टॉपिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा, ये है कि खवातीन बेचारियों को बहुत सारे मुश्किलात देखने को मिलती हैं, खास करके सिर्फ टीचर जो हैं उनको एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है, बाकी खवातीन को भी जीने का हक है. और चाहे वो कोई भी काम करें उनको बड़ी मुश्किलात देखने को मिलती हैं. अगर मैं इस पर छोटी सी बात ही करता हूँ कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ना खुद एक ताजर थी, ताजरा थी, तो अगर कोई खवातीन इस माशरे में तजारत तो लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, तो उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात देखने को मिलती हैं. हमारा माशरा किसी भी सूरत खवातीन को जीने नहीं देता. सवाल ये है कि हम खुद चेंज कब होंगे, हमारा माशरा कब चेंज होगा जिसमें खवातीन को इज्जत की निगाह से. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच. कंवल साहिबा, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे उन्होंने कहा, मैं इसलिए आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ क्योंकि आपने एक दो तरह का एटमॉस्फेयर देखा है. फर्स्ट यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ यू आर हियर इन पाकिस्तान. आपने डिफरेंस देखा होगा कि वहाँ औरतों के साथ क्या मसले हैं राइट्स को लेकर, यहाँ पर क्या है. तो व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव जस्ट वॉच्ड इन दिस एरा. बाहर भी मैं ये नहीं कह सकती कि बाहर जो है वो मर्द और औरतें बिल्कुल एक जैसे हैं. बाहर हमारे जहाँ पे मैं काम कर रही थी, हमें लगता था कि एक बॉयज़ क्लब बना हुआ है जिसमें वहीं पे प्रमोशंस होती हैं, वहीं पे बहुत कुछ, एक वो जो ब्लू आइड बॉयज़ हैं. तो हम औरतों ने क्या किया, अच्छा औरतें आपस में ना थोड़ी सी, क्योंकि आप मुश्किल से एक लेवल को पहुंचते हैं, कंपीट करके पहुंचते हैं, तो औरतें अपनी पोजीशन के बारे में थोड़ी सी पोजेसिव हो जाती हैं. उनको लगता है कि अगर दूसरी औरतें आएंगी तो शायद मुझसे ना ये ले ली जाए. वो एक माइंडसेट ऑफ स्केयरसिटी है, उससे उसके थ्रू चल रही होती है. राइट. तो हमने क्या किया, हमने वी पुट इट ऑन इट्स हेड. हम एक दफा वेगस गए, हम सारे सिस्को, वी यूज्ड टू गो टू वेगस एवरी ईयर फॉर आवर सेल्स कॉन्फ्रेंस. तो हम सारी औरतें वी गॉट टुगेदर जो हम लीडरशिप पोजीशन में थे सिस्को, and we said के ऑस्ट्रेलिया में, we said के we're going to support each other, हम एक दूसरे को उठाएंगे, और we're going to go by this mindset of abundance rather than scarcity. और ये जो boys club बना है, हम female club, हम girls club बनाएंगे. तो and we started doing that, and literally मैं आपको बताती हूँ, हम सब के careers बहुत उठे because we really started supporting. जब कोई नहीं होता था कहीं पर तो वो बाकी लड़कियाँ, बाकी औरतें उसको support करती थी, उसको उठाती थी. तो वो ये ऑस्ट्रेलिया में भी था. पाकिस्तान में आपने पूछा क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जो है ना, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मैरिड हैं और अगर आप कहते हैं मैं अवेलेबल नहीं हूँ और आप कहते हैं कि आई एम नॉट, यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पीपल अंडरस्टैंड, पीपल रिस्पेक्ट दैट. ठीक है, लोग गिव यू स्पेस, राइट, दे गिव यू. मैं सेल्स में थी, मैं बहुत सीनियर हो गई, मैं बहुत ट्रैवल थी, बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी, पूरी दुनिया ट्रैवल करती थी, US बहुत ज्यादा जाती थी, कस्टमर्स को एंटरटेन करती थी, डिनर्स पे लेके जाती थी, मगर कभी ये नहीं होता था कि कोई सबको पता है आई एम नॉट अवेलेबल, मैरिड, आई एम नॉट अवेलेबल लाइक दैट. पाकिस्तान में जब यही चीज़ होती है ना, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कॉर्पोरेट में है, IT में है, वहाँ पे है ही मेल, लाइक इट्स अ मेल डोमिनेटेड कल्चर, बहुत कम औरतें हैं उधर. तो जब आप वही चीज़, आई एम फ्रैंक, मैं तो आराम सबसे अच्छी तरह से बात करती हूँ, सबको जो है वो इन्वॉल्व करती हूँ. तो अब जब आप यहाँ पे इस कल्चर में करना शुरू करते हैं फॉरेन लोगों को, यू राइट कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट है. थैंक यू सो मच. यही मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमें मुसरत मिसबा आपा ने भी ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? वेलकम टू मेरी सहेली. बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र. ये बताइए मुसरत आपा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्क प्लेस पे जो खवातीन को चैलेंजेस हैं, जो इशूज आ रहे हैं, जो वो बहुत से, जैसे कहते हैं, हरासमेंट भी आ जाती है या मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ जाती हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं ओवरऑल हम सबको ही डिस्कस कर रहे हैं. तो आप तो खुद माशाल्लाह आयरन लेडी हैं, मिसाल है हम सबके लिए, स्पेशली पाकिस्तानी औरतों के लिए. तो आपने क्या कभी खुद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऐसे वर्क प्लेस इशूज खवातीन से मुतल्लिक फेस किए पर्सनली? जी, मैंने अभी सुना जिस बच्ची का आप बात कर रही थी और उनका एक लव्स मुझे जो समझ में आया वो था अवेलेबिलिटी. जी,
कि जो खवातीन काम करती हैं, और देखिए डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं ना, इसमें आप गवर्नमेंट के सेक्टर्स को भी ले लीजिए, आप जो कमर्शियल सेक्टर्स होते हैं, मल्टीनेशनल सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे खवातीन को एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता है. मुस्तफ़ा हुसैन ताडर साहब जो थे, उनका एक बहुत प्यारा था, उन्होंने लिखा था कि एक अकेली औरत जो है वो मौका नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है. सो मैं ये समझती हूँ कि वो बच्ची या वो खातून या औरत जो कहीं पर भी काम करती है, वो हमारी यानी हमारे मेल लोगों की हमारी जो कल्चर है उसमें वो एक जिम्मेदारी होती है. और जिम्मेदारी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि खवातीन जो है उसका फायदा उठाना शुरू कर दें. अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाइए और फिर अपने हक के लिए डट जाइए. अब होता क्या है कि अगर वो इंटिमिडेट हो जाती हो, अगर उनको कोई कमेंट्स जो है वो चुपता है, तो वो बोलती इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ पर खाली एक हूँ या मैं हम लोग चार हैं और यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द 10 लोग हैं तो हमारी आवाज दब जाएगी. ऐसा नहीं होता है. आवाज उठाने का भी एक तरीका होता है. बिल्कुल. और उस तरीके को वो जिस तरह कहा जाता है ना कि व्हेन यू आर इन रोम यू लिव लाइक रोमन्स, तो इसलिए आपको देखना पड़ता है कि आपका वो कल्चर जहाँ पर आप काम कर रही हैं वहाँ पे किस किस्म की सोच प्रिवेल कर रही है, क्या चीज प्रिविलेंट है. तो इसलिए लड़कियों का अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट होना, अपने आप को मनवाना, ये सारी चीजें जो है वो उनके अपने जो खुद एतमादी होती है और उनके स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर होता है. जैसे अभी उन्होंने बताया कि भाई वो दूसरे मुल्क में है, वो हर चीज कर सकती हैं और मजाले के कोई कुछ कह दे. यहाँ पर जो है वो मुश्किल होती है हमारी बच्चियों को. 100 आदमियों के दरमियान में खड़े हों और आपके तरफ कोई गंदी और मैली निगाह जो है वो ना पड़े, वो मुमकिन तो नहीं है. लेकिन अगर आप उसको टैकल और हैंडल करना चाहते जानते हैं तो ये भी मुमकिन है कि कोई आपकी तरफ इस तरह से देखे भी नहीं. तो जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती है या जस्ट वर्क प्लेस क्या, सफर करते हुए, ट्रेवल करते हुए, बसों के अंदर, मतलब हम प्रिविलेज क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आम बच्चियों की भी बात करते हैं कि जब वो ट्रेवल कर रही होती हैं तो किस तरह से कोई सीटी बजा रहा है, कोई कमेंट पास कर रहा है, कोई गुजर रहा है तो छू के गुजर रहा है. आई मीन कितने पैथेटिक है. बिल्कुल ठीक बात की मुसरत आपा, कि जब घर से कदम बाहर निकालती ना औरत तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा चैलेंज है. हर किसी के पास ट्रांसपोर्टेशन अक्सर नहीं होती. बस स्टॉप पे लड़कियां खड़ी होती हैं, वहां पर इतने मसले होते हैं, बुली हो रही होती हैं, आवाजें कस रहे होते हैं लोग, और वो भी अपना ही एक इशू है, चैलेंज है. इसके साथ साथ जब आप तो प्रेसिडेंट डिप्लेक्स भी हैं, तो ये बताइए कि जॉब के हसूल के लिए क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं औरतों को जब वो इंटरव्यूज के लिए जाती हैं या विजिट करती हैं, वॉक इन सीवीज अपनी लेके जाती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो देखिए जो मेरी फील्ड है ना वो एक ब्यूटी की फील्ड है. एंड फॉर्चुनेटली ये एक बड़ी वेरी फीमेल डोमिनेटेड फील्ड है और इसमें जो लिटिल परसेंटेज ऑफ मेल जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो उनके लिए मे बी दे आर ट्रांस पर्सन, मे बी दे आर यंग बॉयज हु आर स्ट्राइविंग टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर, वो एक अलग उनको कोई हरासमेंट नहीं है. हमारी लड़कियों को उस वक्त ही हरासमेंट होती है व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑड आवर्स फॉर देयर मे बी मेकअप के कोई शूट्स होते हैं, कोई फिल्म होती है जहाँ पर वो इनसिक्योर फील करती हैं. But things are changing. There is a thing which is called social media. There yes. is a thing which is called, right. you know, using your mobile when something like this is happening. लोग डर जाते हैं कि ये कहीं वायरल ना हो जाए. कोई अब बड़े-बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, you know, technicians वगैरह जो हैं वो डरते हैं इन बातों से. तो use it to your benefit.
अगर आपको कहीं पर ऐसी चीज लगती है तो आप जरूर उसको अपने बेनिफिट पे इस्तेमाल करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आपने बहुत प्यारी बात की है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आप अपना फोन भी यूज कर सकते हैं। एक और बहुत कॉमन मसला ये है कि अक्सर एक डिफरेंस आ जाता है क्लास में। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनकी फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं कि वो मॉडर्निज्म को प्रमोट करें, लेकिन उनके ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि दे हैव टू बैलेंस अ ड्रेस कोड। इसी तरह कुछ लड़कियां जो जरा थोड़ी ज्यादा मॉडर्न ड्रेसिंग में आती हैं उनको देखकर वो लड़कियां कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। तो इस हवाले से आपको क्या क्या ड्रेस कोड रखना चाहिए जिससे आप फॉर्मल भी लगें और आप जजमेंट का शिकार भी ना हो? मैंने बहुत सी बच्चियों को हिजाब में और बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रेसअप होते हुए भी देखा है। सो आई थिंक इट अगेन बॉइल्स डाउन टू वन थिंग कि आपके अंदर खुद कितना कॉन्फिडेंस है। अब आप जिस जगह पे काम कर रही हैं वहां पे आप क्रिसमस ट्री बनकर चली जाएं, क्योंकि आप एक ऐसी क्लास से ताल्लुक रखती हैं जहां पर आपको भी सेंस नहीं है, ठीक है, कि आपने क्या पहनना है, झाले, झुमके, बेल बॉटम और व्हाटएवर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द गर्ल्स डू लर्न, एंड इफ दे डोंट, आई थिंक सबसे आसान हल ये होता है कि जहां पर उनको ये जॉब्स मिलती हैं इन एनी ऑफिस, मल्टीनेशनल वगैरह वगैरह, वहां पे 2 या 3 दिन की पर्सनल ग्रूमिंग की क्लासेस शुड बी अरेंज्ड बाय द कंपनी के जी, इस ड्रेस कोड को नजर में रखते हुए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ, मैं गला बड़ा नहीं पहन सकती हूँ, मुझे अपना हेड कवर करना है, सो वो कंपनी इट्स ओनर्स शिफ्ट्स ऑन देम टू प्रोवाइड अ ड्रेस कोड फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ देयर वर्किंग लेडीज। मतलब आप एक जमादार को जो कि सफाई करता है, जानेजर है, उसके लिए जो ड्रेस कोड होता है वो डिफरेंट होता है, जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होती है उसका अलग होता है, जो उससे बड़ी पोस्ट में होती है उससे अलग होता है। बट यू नो, आई मीन दैट इज कंपनीज रिक्वायरमेंट एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ देयर एसओपीज दैट द गर्ल्स शुड बी गिवन बिफोर दे जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, अ ग्रूमिंग सेशन जिसमें उनको बताया जाए बाल कैसे बनने हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि आप रॉ सिल्क एंड प्योर सिल्क के कपड़े पहने, नो नो नो, आई मीन देयर आर अमेजिंग लोकल ब्रांड्स जो के अब गर्मियों का मौसम आ गया है, आप उसमें कपड़े भी इतने प्यारे प्यारे बनते हैं, उसमें डिपेंडिंग यू नो यू कांट गो देयर लुकिंग लाइक अ ब्राइड एक ऑफिस के अंदर। सो दैट ऑल्सो कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड अगेन मैं समझती हूँ कि आप यू जस्ट Google something accordingly and they will give you 101 options, जो कि आप अपने कपड़ों को ही बेल्ट लगा लें, आप उसको छोटा कर लें, आप दुपट्टे जो हैं उनको डिफरेंट यू नो सॉलिड कलर्स पहन लें, समथिंग व्हिच एक्चुअली प्रमोट्स योर पर्सनालिटी। कि आपकी वाली जो स्टेटमेंट है डू एज अ रोमन्स डू इन रोम, तो ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए और ये हमारे अपने लिए भी बेहतर है। हमारी जब एजुकेशन स्टार्ट होती है तो प्रोबेशनल पीरियड के बाद आपको क्लिनिकल में फेंक देते हैं और नाइट स्टार्ट्स हो जाती हैं एवरीथिंग। और मैंने ग्रॉस रूट लेवल की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को देखा, अपने भी लोगों की भी, कि लड़कियां जो आके प्रॉब्लम्स बताती हैं ना, ये जो पार्लर में काम करती हैं, जो इधर उधर काम करती हैं, उनको फीमेल साइड से हरासमेंट बहुत मिलती है, उनकी फीमेल बॉसेस उन्हें हरास करती हैं। ये भी होगा, लेकिन जो हम लोगों ने, क्योंकि मेडिकल है हॉस्पिटल में, तो यानी कि लड़कियां अब्यूज होके आती हैं, ठीक है, और वो यानी क्या कहते हैं कॉर्जियन, अंडर कॉर्जियन, ये नहीं, एक तो होता है ना विलफुली चैलेंज, उन्होंने लाइक डू एट रोम, ठीक है, वैसे कर रही है। लेकिन जो लड़कियां, ये नहीं कि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे ऑफिसर लेवल में हूँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट,
लेकिन मैंने देखा लोगों को क्लोजली, क्योंकि हम लोग ज्यादा करीब होते हैं ना, कोई भी फीमेल पेशेंट एडमिट होती है, मेल भी, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं इतनी ज्यादा. ये जो बेचारी क्लीनर है, जो आया है, मेड है, जी जाहिर है ना, हर लेवल पे ये नहीं कि हम ऑफिसर लेवल पे बैठ के बात करें. और वो भी औरतें हैं ना, उनकी भी रिस्पेक्ट उसी तरह है, और वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट. बिल्कुल सही बात की आपने सिस्टर साथ के. मेरा देखिए हर लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हर लेवल पे. मैं चाहूंगी लाला रुख से पूछना कि आप ये बताइए आपके पास कौन कौन से मसाइल लेकर आती हैं खवातीन वर्क प्लेस के वाले. बल्कि कार्ड्स की रोशनी में बताएं कि कब खत्म होंगे ये मसले खवातीन के. मैं कहती हूँ प्लीज इसको खोलो, मेरे बाबा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को काफी देर से इंतजार है. ये टैरो कार्ड रीडर्स बहुत अच्छी डायरेक्शन इनकी है. मैं थोड़ा सोची को करती हूँ कि देखिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त नहीं है. इतनी ज्यादा खवातीन वर्किंग क्लास में आ रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कि उनकी थोड़ी सी भी ट्रेनिंग हो, स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल पर्सन. अच्छा यही सही है. प्रोफेशनल पर्सन. आई वांट यू टू ओपन द कार्ड्स एंड टेल मी द प्लेटफॉर्म कब बने. आपसे बेसिकली एवरीवन नोस कि जलाला रुख है जो टैरो कार्ड रीडिंग करती है. नहीं, नेवर. देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज को आई विजिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली. इन लोगों की भी 100-100, 200-200 साल लगे. इनकी भी औरतों के साथ यही पहले होता था. हमारे मर्दों को भी टाइम लगेगा. आई वर्क्ड इन. अच्छा बाय द वे ये बताइए लाला रुख आपा कि आप जो बातें भी करी साथ, शफलिंग भी करी कार्ड्स की, इनको खोलने अब बस ये राज है, ये अफसाना है. मैं तो बहुत क्यूरियस हो रही हूँ. मीरब कुछ पूछना चाहेंगी? मैं बिल्कुल यही पूछना चाह रही हूँ कि जो ख्वातीन के मसाइल हैं, क्या नजर आ रहा है, कौन सा साल हमारे लिए बेहतर होगा जब ख्वातीन के लिए प्रॉब्लम्स थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़ी मेल डोमिनेंस कम हो जाएगी. देखिए मैं आपको इस वक्त एक वो कहते हैं ना तीर अंदाज होता है ना, तो कार्ड्स के जरिए हम जानना चाहते हैं भी एक पॉइंट रखते हैं कि इस पे निशाना लगाना है तो आप अच्छे निशानाबाज हो. इस वक्त वी आर वेरी लकी टू हैव मरियम नवाज हू इज फर्स्ट. तो मरियम नवाज का टेन्योर वो पूरा करेंगे अपना. अच्छा चलिए आप दो सवाल ये भी बताइए. सबसे पहले तो आपने ये बताना, सवाल तो मेरा है, मरियम नवाज साहिबा जो है कार्ड्स की रोशनी में कब तक हमारी सीएम जो है वो रहेंगी. इंशाल्लाह आई होप कि लॉन्ग पीरियड के लिए रहें और औरतों के लिए बहुत करें, बट कार्ड्स की रोशनी में देखते हैं. चलिए जी देखते हैं. ओह उनका कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. जी जी. नाइट्स जो होते हैं ना आपको पता है हिस्टोरिकली दे आर फाइटर्स. और स्वॉर्ड लेके निकले हैं तो मींस मरियम नवाज एक मिशन पे निकली हैं और अल्लाह उनको कामयाब करे कि कम से कम चले पूरे पाकिस्तान को नहीं तो पंजाब को एक इतना अच्छा सूबा बना दें, एक एग्जाम्पल सेट कर दें. यू नो सेट अ precedent, set an example. Amazing. As the first working CM who is going to be successful. तो हमारी दुआएं उनके साथ. That's great. अच्छा इसी के साथ हमें अभी हमजा अली अब्बासी भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनकी तरफ बढ़ेंगे. तब तक के लिए मुझे जल्दी से प्लीज बता दें कि ख्वातीन के मसाइल का भी कोई हल नजर आ रहा है इन कार्ड्स में. और मेरे बाप भी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? मैं बिल्कुल पूछना चाहेंगी. जस्टिस. अरे सो जस्टिस का मतलब है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हक और लॉ विल कम, बट वी जस्ट नीड अ लिटिल ट्वीकिंग. देखिए हमारे पास खूबसूरत मजहब है जिसने हमें हर चीज़ बता दी है, हर डायरेक्शन बता दी है. अगर हम लोग अपना तमाम जजमेंट्स एंड अपने तमाम फैसले अकॉर्डिंग टू आर रिलीजन भी कर लेना तो हम कामयाब हो. बिल्कुल ठीक बात की. इसके साथ साथ मैं अपने नाजरीन को भी बताती चलूँ कि जिस टीवी स्क्रीन पर आप लोग को नंबर नजर आ रहा है इस्तेमाल कीजिए, बल्कि मैसेज भी कर सकते हैं. एनोनिमस कॉलर बन के भी आप बात कर सकते हैं अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमारे साथ लाला रुख मौजूद है. और आप में से कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग पूछना चाहता है, माइंड साइकी के हवाले से बात करना चाहता है, पामेस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पूछा जाता है, बल्कि न्यूमरोलॉजी भी, तो वो भी होगा. और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे साथ ऑडियो कॉल पर हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हमजा अली अब्बासी ने. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली. जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया. अच्छा हमजा आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज इफ आई हैव एवर सीन अ मैन हु रियली हैज दैट नॉलेज जो कि एक ख्वातीन के लिए भी थोड़ा प्रो हो जाता है, तो दैट इज यू. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो राइट्स हैं ख्वातीन के, स्पेशली व्हेन दे कम टू द वर्क प्लेस, वहां पर उनको जिस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हरासमेंट इशूज आते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स डू अ वुमन हैज टू टेक. जी एक तो बहुत शुक्रिया जी. एंड यू राइटली पॉइंटेड आउट कि मैं बहुत प्राउडली ये बात कहता हूँ कि मैं एक फैमिली से हूँ जिसमें बहुत अकम्पलिश्ड और पावरफुल खवातीन है. माय सिस्टर, माय मदर, माय वाइफ. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई एम वेरी ग्रेटफुल. और ये एक फैक्ट है कि जब आपके खानदान की खवातीन इंडिपेंडेंट होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो वो खानदान के मर्दों के लिए भी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो बनती है, उनका बहुत बड़ा हौसला बनती है.
और आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि अभी भी बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि खवातीन को बहरहाल हरासमेंट जो है फेस करनी पड़ती है, और ये तमाम शोबों के अंदर, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो हमारी इवन शोबिज फील्ड हो, हर जगह जो है वो एक ये प्रॉब्लम मौजूद है। और इसके अंदर आई थिंक मर्दों ने लीडिंग रोल प्ले करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जहां पे देखें हरासमेंट उसको हम एक्सेप्ट ना करें, उसको हम बल्कि डीमनाइज करें, उसको हम कॉल आउट करें, उसको हम इनकरेज ना करें, नॉर्मलाइज ना करें, क्योंकि बदकिस्मती से इस बिहेवियर को हम मर्दों ने भी बहुत हद तक नॉर्मलाइज किया और सेलिब्रेट भी किया है बड़े हद तक, इसको बड़ी चीज नहीं समझा कोई। सो आई थिंक मर्दों को इसमें लीड रोल लेना चाहिए और ऐसे बिहेवियर्स को कॉल आउट करना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए अपने सर्कल्स के अंदर। और खवातीन जो है माशाल्लाह, ऑप्टिमिस्टिक बात यह है कि आज के दौर के अंदर बहुत फोर्थ कमिंग है और दे देमसेल्व्स आर कॉलिंग आउट हरासमेंट, चाहे वो ऑनलाइन बताएं आके या वर्क प्लेस के अंदर कंप्लेंट्स करें। अब वो जमाना चला गया जहां पर खातून को हैरास किया जाता था और बेचारी मजबूरन चुप हो जाती थी। तो इस बिहेवियर को भी इनकरेज करना चाहिए, खवातीन को कहना चाहिए कि अगर आप हरासमेंट फेस करनी पड़े बिला झिझक, बिला डर, किसी खौफ के बगैर, आप शोर मचा दें, आप अपनी वर्क प्लेस में बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, डू नॉट बी स्केयर्ड। तो जो फियर का एलिमेंट है और शेम का एलिमेंट है, इसको हमें खत्म करने की जरूरत है और खवातीन को इनकरेज करने की जरूरत है कि ऐसा जब भी आपको कोई सिचुएशन फेस हो तो आप बोलिए, आप ऊंचा बोलिए, बहुत ऊंचा बोलिए, और आपकी बात को सुना जाएगा और उसको केटर किया जाएगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसके हवाले से, इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फील्ड्स की, तो हर किसी की कस्टमाइज फील्ड है उसकी नज़र में, जिसको वो रिस्पेक्ट देते हैं। टीचिंग को देख ले तो उसकी एक अलग इज्जत है और उसका एक अलग मुकाम है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी है जैसे कि शोबिज़ हो गया, मॉडलिंग की फील्ड हो गई, या मीडिया की फील्ड हो गई, या और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं ले रही, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि वहाँ की जो औरतें वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आ जाती है, जजमेंट बहुत ज़्यादा हो, जजमेंट आ जाती है। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, या इसको किस तरह से लेसन किया जाए, कम किया जाए? एक तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आई है हमारे माशरे के अंदर इन रवैयों के हवाले से। इस तरह की फील्ड्स आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अक्सर पीपल लुक डाउन अपॉन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, खवातीन के हवाले से खासतौर पर, लेकिन बेहतरी आई है, अब रवैयों में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन देखिये, लोगों को इसके अंदर एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि फील्ड कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती। हर फील्ड के अंदर इंसान खुद फैसला करता है कि उसने अच्छा होना है या बुरा होना है। अगर आप करप्ट होने पे आए तो फिर तो किसी भी फील्ड के अंदर आप करप्ट हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मॉरली हो, और अगर आप करप्ट नहीं होना चाहते तो यू कैन बी इन एनी फील्ड एंड स्टिल नॉट बी करप्ट। तो लोगों को आई थिंक एजुकेट करने की जरूरत है, और बहुत हद तक लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी शोबिज में खवातीन हो, उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, और चाहे इस तरह की जॉब हो जो पहले लोग बहुत डिमोनाइज करते थे, जैसे एयर होस्टेस की जॉब, मैं हमारे खानदान में जो है माशाल्लाह एयर होस्टेसेस हैं, और पहले उनको बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता, लेकिन अब ये रवैये जो है चेंज हो रहे हैं, और इस चेंज के अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जहां मौका मिले हमें स्टैंड लेना चाहिए। और इन मर्दों को क्या करना चाहिए जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की उन तमाम खवातीन के लिए जो घर से बाहर कदम निकालती है, वर्किंग प्लेसेस में जाती है, काम करती है, नो डाउट उनका क्या बैकग्राउंड है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, बच्चों वाली है या नहीं है, हम मर्दों के लिए क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है एज अ मेल कि क्या अगमात हम क्या लेसन देना चाहिए कि वो क्या हमें सपोर्ट करें, बिहेवियर रखना चाहिए खवातीन के साथ वर्क प्लेस पे, हम उनकी किस तरह सपोर्ट करें, मेल की बात कर रही हूं मैं, रिपीट कर देंगे मुझे आवाज कट के बीच में आपका सवाल। सवाल ये है कि जिस तरह से खवातीन जब काम करती हैं उनके साथ बहुत सारे मेल भी काम करते हैं, बिकॉज यू आर अ मेल योरसेल्फ, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी जो मर्द होते होंगे वो सब तो शायद एक ही माइंडसेट के साथ खवातीन को नहीं देखते होंगे, तो उन मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्पेशली वुमेन के लिए एक प्रोफेशनल जेलसी या एक माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? जी देखिए, मर्दों का एज आई सेड बिफोर एक लीडिंग रोल है इस चीज के अंदर कि इन रवैयों को बदलने के अंदर, और मर्दों को जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको बाहर हर रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप दीन के हवाले से देखें तो हमारी खवातीन की क्या ट्रेडिशन रही है, चाहे हजरत खदीजा हो, हजरत आयशा हो, अगर आप कल्चरली देखें तो हमारे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारी खवातीन के क्या रोल्स रहे हैं, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो, या आप आजकल के दौर में देख लें आपको हर फील्ड के अंदर जो ऐसी खवातीन मिलेंगी कि जिन्होंने उस प्रोफेशन का नाम रोशन किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो मिलिट्री हो।
तो ऐसे मर्दों को अगेन एजुकेट करना चाहिए और बताना ही चाहिए कि देखें ये नहीं है कि ख्वातीन ये कर सकती हैं, ख्वातीन ने करके दिखाया है और लड़ी, चाहे वो हमारी डिस्टेंट हिस्ट्री हो रिलीजन की साइड से, हमारी रीसेंट हिस्ट्री हो मुल्क की, या हमारे हर सूबे की कल्चरल हिस्ट्री हो, आपको बेतहाशा ख्वातीन मिलेंगी जिन्होंने नाम रोशन किया। तो ऐसे मर्दों को मेरे ख्याल रिमाइंड कराना चाहिए कि देखें आप जब ख्वातीन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप रियलिटी के खिलाफ जा रहे हैं और आप बेसिकली अपनी पस्ती जो है शो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। सही सही सही, क्या आप अपने अंदर की जो कमजोरी है वो बाहर निकाल के बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब हम बात करते हैं तमाम मैनेजर लेवल पे जो औरतें हैं या जिनकी प्रमोशंस होती हैं या जो फीमेल बॉसेस हैं, आप ये देखें कि एक तो उनके लिए जो बाकी मेल कोलीग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते एक मैनेजर लेवल पे कोई औरत काम कर रही हो या उसके अंडर कोई चार पांच कॉलीग्स मेल काम कर रहा हो अमला। इसके अलावा आपके साथ मैं एक और सवाल भी अटैच करती हूँ कि बैंक्स देख ले, मुझे कोई फीमेल वीपी नज़र नहीं आएगी बैंक में, बल्कि एक वाकया भी है कि किसी ने वीपी बनना था एक फ़ीमेल ने 10-15 साल की मेहनत के बाद, तो तमाम मेल कॉलीग्स जो थे वो खड़े हो गए थे कि नहीं जी हम बनेंगे, ये तो हमारा हक है, ये फीमेल कहाँ से आ गया एज अ वीपी। तो ये जब बॉसेस लेवल पे फीमेल्स बनती हैं तो तमाम मेल कॉलीग्स को डाइजेस्ट करना चाहिए या एक्सेप्टेंस कैसे लानी चाहिए, इस हवाले से भी प्लीज़ बताइए। देखिए ये पूरी दुनिया का बहरहाल इशू है, आज भी जो मुल्क बहुत डेवलप्ड है कल्चरली या जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत काम हुआ है, इवन वहाँ पे भी अभी तक ये इशू है। जैसे हम जानते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स को इक्वल पे जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं अभी तक उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि एक ही पोजिशन के ऊपर एक फीमेल को उतनी ही पे मिलनी चाहिए जितनी उसकी काउंटर पार्ट मेल को मिल रही हो। तो आज भी ये स्ट्रगल जारी है, बहुत डेवलप्ड मुल्कों में भी जारी है, और बदकिस्मती से आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी स्ट्रगल जारी है कि ख्वातीन को बाहर स्टिग्मेटाइज किया जाता है उनके मेल काउंटर पार्ट्स की तरफ से। और स्टिग्मेटाइजेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली दीनी तबकात का भी हाथ है, जो बहुत ज़ईफ रवायात पे बेस्ड ऐसी चीजें बयान करते हैं लोगों के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि औरत जो है वो अकल में भी कम है, दीन में भी कम है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर हमारे कल्चरली भी कुछ ऐसे नॉर्म्स रहे हैं हमारे अंदर जिनसे तकवीत मिलती है ऐसे रवैयों को, और इसका एक ही हल है, एक ही हल और सिर्फ एक ही हल है कि अवेयरनेस एजुकेशन, और ख्वातीन को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा जहां पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, यही इसका हल है और कोई हल नहीं। अच्छा, इसी के साथ हमें अपनी ख्वातीन को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो दीनी उलमा जिस तरह से उनको रिलेट करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि ज़ईफ अहादीस के साथ, तो इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने ख्वातीन को सबसे ज़्यादा अहमियत भी दिलाई है जी, प्रमोट की है। ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है इस्लाम की, बल्कि मेरे ख्याल से जितने हकूक ख्वातीन के बारे में है वो प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, मैरिज राइट्स आ गए, डिवोर्स राइट्स आ गए, देयर सो मच मोर, मतलब इफ़ वी डेल्व डाउन डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम तो बहुत से ख़वातीन के राइट्स हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो पाकिस्तान की औरत है, जो एशियन वुमेन है, उसको तरक्की के राह में गामजर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, व्हाट डू यू फोरसी? जी बिल्कुल, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे दीनी तबके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहरहाल हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दीनी तबके का भी जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहाँ क्रेडिट भी देना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दीनी तबके ने कुछ ज़ईफ रवायतों को बेस करके या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है रवायतों को बताकर एक जहन साजी बहरहाल की है सर से के अंदर कि औरत इंफीरियर है एज कम्पेयर टू मैन। हालांकि इस्लाम में ऐसी बिल्कुल, मैं हालांकि एक लेमैन हूँ, स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से मुताला करके ये जानता हूँ कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरत बिल्कुल इक्वल एंड द साइट ऑफ गॉड। अलबत्ता हाँ, जब किसी रिश्तों में आप जाते हैं तो उसमें रिश्तों की ऊंच नीच है, लेकिन मर्द और औरत बिल्कुल एब्सोल्युटली बराबर है खुदा की साइट के अंदर। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा जिस तरह आपने यहाँ की ख्वातीन के हवाले से उनका फ्यूचर कहा, मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दो चार दफ़ा विमेन लीडर्स अवार्ड्स होते हैं वो होस्ट करने का मौका मिला दो दफ़ा, और जैसी ख्वातीन से मैं मिला वहाँ पे और जो उनकी अचीवमेंट्स थी, और सिर्फ शहरों की ख्वातीन की बात नहीं कर रहा मैं आपको दूर दराज विलेजेस की, चाहे वो बलोचिस्तान है या केपी है या सिंध है, पंजाब, कश्मीर, ऊपर हर जगह से दूर दराज ख्वातीन जो जो काम कर रही हैं हर फील्ड के अंदर, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड, और मैं तो बहुत होपफुल पाकिस्तान के अंदर के मजीद बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आने वाले दिहाइयों के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर शिवाना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिवाना, आपसे जानना चाहूंगी कि बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, जैसे हम अभी काफी देर से बात जजमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं ख्वातीन को, तो ख्वातीन को बेसिकली क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इन इश्यूज को जो है वो ना देखें, इनसे परेशान ना हो और अपने काम पर फोकस करें?
देखें, काम पे फोकस करें ना, यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी कमल ने एक बात की थी ना जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी, कि वो इस पोस्ट पर होकर भी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी, शी वॉज गोइंग टू वेगस, अमेरिका आती थी, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रही थी, औरतें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, अपलिफ्टिंग किस्म का सपोर्ट सिस्टम था। सबसे पहले जब औरत घर से निकलती है तो उसको इश्यूज आने हैं। एक जेंडर है उसका, मुअन्नस फीमेल है, उसको घर के चैलेंजेस आने हैं, नौकरी के लिए, फिर काम पे गई तो वहां से चैलेंजेस आने हैं। लेकिन जब भी औरत शॉर्टकट मारती है ना, औरत होने का कार्ड प्ले करती है और औरत होने का वो विक्टिम बन जाती है और अपनी स्किल सेट को और अपने वैल्यूज को बराबर नहीं लेकर आती, किसी सिफारिश की वजह से, या अगर उसको जो है, चलो औरत होने के बेस पे आपको नौकरी मिल गई, यू वर प्रेजेंटेबल, लेकिन आपकी वैल्यू या मैरिट वो नहीं था, तो फिर यूज एंड अब्यूज होने के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है कि किस जिस जॉब पे आप हैं वो आप डिजर्व नहीं करती। तो सबसे पहले तो अपने वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, ताकि किसी के अंदर इतनी जरूरत ना हो कि आपको ये कह सके कि तुम मेरिट पर नहीं आए। अगले को पता हो ना, देखें थप्पड़ भी वहां पड़ता है वैसे ज्यादातर जहाँ पे थप्पड़ अगला बर्दाश्त करे, अगर आप अपनी वैल्यू को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं, अगला 10 दफा सोचेगा। फिर भी चलो औरत होने की वजह से हमारे कल्चर में और बंदों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, औरतों को अब्यूज करते हैं। मी टू मूवमेंट आप देख लें, यहाँ पे भी तो थी ना, अमेरिका से ही स्टार्ट हुई थी। आप जिनसी हरासा, यहाँ पे मोलेस्टेशन, वर्क पे हरासमेंट, ये हर जगह होता है। औरत को पहले खुद तगड़ा और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 10 दफा कोई सोचे आपके पास आने तक। अगर आपने सिफारिश करके ऊपर गए थे ना, तो आपको तो पहले ही अंदर से नर्वसनेस है, और फिर जब ये चीजें होंगी तो आपके पास स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं होगी। अगर उसके बाद एक और कमल ने बात की थी कि कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, जब आपको जॉब मिल गई है ना, तो आपने अप टू डेट रहना है उस नॉलेज में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। अगर आपने औरत होने के नाते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, अब मैं जो बस जॉब मिल गई है, मैंने उसमें प्रोग्रेसिव नहीं होना, मैंने नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, तो जो साथ वाले बंदे हैं तो वो सीख रहे हैं, आप पीछे रह जाएंगे। अपने घर का जो है ना, अपनी सीट बेल्ट आप पहले बांध दें, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अब मुझे मेरा काम आता है, अब मैं इस लेवल पे हूँ कि आओ ब्रिंग इट ऑन, मैं फेस कर सकती हूँ कुछ भी। फिर उसके बाद अगर कोई हरासा करता है, तो जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे कि फिर आप एचआर के पास जा सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये पता है ना कि मैं इस जॉब को डिजर्व नहीं करती, तो फिर आप इतने अंदर से भी डरे होते हैं, और उसके बाद जो आप जॉब बजाने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि आपका स्किल सेट वो नहीं है। तो अपने काम को पहले मैरिट में। साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मैं थोड़ी सी चबी हूँ, आई लुक चबी बट नॉट वेरी मच। तो ऐसा होता है कि मैं ईस्टर्न भी कैरी करती हूँ और मैं वेस्टर्न भी कैरी करती हूँ, और वो अच्छा लगता है, आई कैरी इट सो वेल। बट क्या होता है कि मैं जिस जगह पे काम करती हूँ, वहाँ के कोलीग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल होते हैं। इसी तरह से मुझे उनकी नजरों से पता चल जाता है कि वर्ड के वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ना एग्जॉस्टिंग होता जा रहा है। मुझे रोज जब यहाँ से घर जाती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे क्या पहनना है कल को, मुझे कैसा दिखना है, क्या लगूंगी, मेरे लोग क्या कहेंगे। तो मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है ड्रेसिंग के हवाले से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कमल, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, जैसा अभी ये बात कर रही हैं, मैं देख रही हूँ कि आप एक वेस्टर्न कंट्री से आई हैं और वहाँ पर आप वेस्टर्न कैरी करती थी, यहाँ पर आकर आपको दुपट्टा को के आपको बहुत सूट करता है, आप लेती हैं, आप बहुत प्यारी लगती हैं, बट यू हैव टू कैरी दैट वे लाइक द कल्चर हेयर इन पाकिस्तान। तो क्या आपको किसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जैसे ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी, क्यों आपको अपना लिबास जो है वो बदलना पड़ा? देखिए, एक तो मैं जब वापस आई, तो मैंने आपको जैसे कहा कि थोड़े बहुत चैलेंजेस जो बाहर मुझे नहीं फेस करने पड़े थे, मुझे उनका सामना करना पड़ा। आई वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस, आई वांटेड टू क्रिएट, क्योंकि मैं अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकती। अच्छा, पर्सनालिटी से एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग आपको कंपेरिजन करते हैं श्वेरिया राय के साथ भी, और उस मतलब आप लगती भी हैं गो के, आई नो के यू डोंट लाइक इट, बट आपको लोग करते हैं कंपेयर उसके साथ भी, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करती होगी। मुझे प्रोफेशनली कभी फायदा हुआ नहीं, मुझे इस चीज़ से मेरा देखें, दो लोगों की शक्ल मिल सकती है, मुझे जो इस चीज़ से बुनियादी मसला होता है वो ये कि हम ना औरतों के लुक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्जैक्टली, औरतों के लुक्स की डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा होती है, औरतों की पहचान उनके लुक्स की वजह से होना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ फंडामेंटल, वहाँ पे मुझे फंडामेंटल मेरा डिफरेंस है
कि भाई अ वुमेन इज़ अ लॉट मोर देन हर लुक्स. मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अ वुमेन इज़ अ लॉट मोर देन हर लुक्स. तो टू रिड्यूस हर डाउन, एक इंसान का एक ऑब्जेक्ट साइड होती है और फिर एक इंसान की एक इंडिविजुअल साइड होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका कैरेक्टर होता है, उसके स्किल्स होते हैं, उसका एम्बिशन होता है, उसका सोल होता है, उसका कैरेक्टर. सो दिस दैट इज सो मच मोर देन दैट ऑब्जेक्ट दैट यू आर. सो टू रिड्यूस हर डाउन टू दैट ऑब्जेक्ट इज एन इंसल्ट टू दैट वुमेन, आई थिंक. वेरी तो दैट्स द थिंग दैट आई वॉन्टेड. एक तो ऑब्वियसली इस्लामिकली भी मुझे लगा कि दिस इज अ बेटर वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ. बट एडिंग वन मोर थिंग इनटू इट के वाज द इसका एक और रीजन भी था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंसी, मेल चौबिनिज्म इन पाकिस्तान स्पेशली इन दिस पंजाब, यू हैड टू कैरी इट ऑफ. नहीं देखिए, एक तो मैंने कहा कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आई थॉट दिस वाज अ बेटर वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ, मगर उसके अलावा ये भी था कि आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ डिफरेंस. क्योंकि मेरी आई एम एन ओपन पर्सन, आई टॉक Okay. cordially with yeah. everybody. I cannot change myself too much. I cannot become too assertive or too aur jis tarah ki field mein main hu, I have to deal with men day in day out. To mujhe aise laga ki there has to be some sort of a jo perception hai na hamare mulk mein aadmiyon ka, aur maine bahut acche aadmi hai by the way, bahut I have come across men who are really really amazing, really nice, really decent. They're both sides of the coin, magar मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जिनके मैं आई वॉज एंट एक्सपेक्टिंग देम टू हैव अ सर्टन, जैसे कहते हैं आपके बारे में एक परसेप्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज यू प्रेजेंटेबल या आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं. एक लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन आ जाता है आपके बारे में. तो मुझे ऐसे लगा कि वो परसेप्शन तो गलत है, और उस परसेप्शन को मुझे चेंज करने के लिए एक डेटरेंस क्रिएट करनी है. So that was also one of the reasons that I started covering myself so properly. So we can say that you can be relatable with the caller as well. Can I put it? Yes, please, please. Yes, please. What happens is in Pakistan, she's right, absolutely right. We have to put people in boxes. You know, we have created certain images, like if somebody is wearing jeans, she's modern. If somebody is wearing a hijab, she's like this. So what happens with me is for the last 35 years when I've been working is people can't put me in a box. I'm a very modern lady who would wear jeans and tops and, you know, then go and say namaz. Wear a big dupatta and say namaz. Now, people really get confused. How to talk to me? Is she a modern woman? Is she an outgoing? I would laugh and talk and share jokes with men. And then I would go. At the same time, she does her namaz. Now, anyone who's saying namaz in a public place, everybody, I asked women why they are not saying namaz. They would like, hum ghar jaake pad lenge. Kyunki yahan to achha nahi lag raha mardon ke beech mein. But it's a first thing. If you're in an office for 8 or 10 hours and you're missing your namaz because you are forced by the men not to say your namaz, create a corner for yourself. It's a farz. Do it. So they got shocked. Bilkul theek baat ki, because I would also like to add another point in it. Ki if a woman is doing modern dressing according to the eye lens of a man, exactly, so he would actually think twice ki what sort of personality she is, which is a problem. And do you get such clients? All the time actually. क्या होता है फिर? All the time. All the time. मतलब जो एक for example कोई लड़की है वो कहीं पर जॉब कर रही है और उसका जो बॉस है वो मेल है, तो वो उनसे मतलब बात कर रही हैं या उनसे फ्रैंक होकर, कुछ लोगों का बिहेवियर ही प्लेजेंट होता है तो वो जब बात करते हैं उनको भी इर्द गिर्द के लोग जज करने लग जाते हैं कि शायद शी इज बिकमिंग फ्रैंक टू गेट अ प्रमोशन और समथिंग. ऐसे भी कुछ मामला आते हैं आपके पास? कवल ने कहा बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो फ्रेंडली होते हैं, उनकी वाइब एक अच्छी फ्रेंडली वाली होती है. इट डजंट मीन कि दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोवाइड यू यू नो सब्सटेंस सम ऑप्शन और सम स्पेस. तो उसमें मसला ये क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ कि हमारे माशरे में मॉरल वैल्यूज की, एथिक्स की, वर्क एथिक्स की अभी तक कमी है. जब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा कि वर्क प्लेस पे आप किस हद तक किसी को के साथ फ्रैंक हो सकते हैं, अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसका तरीकेकार क्या है. ग्रूमिंग नहीं होगी जब तक मॉरल वैल्यूज इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी, तब तक चीजें खराब होती हैं. मैरिड औरतें जो होती हैं या जो मदर टू बी होती हैं, उनको मैटरनिटी लीव जब लेनी होती है वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आते हैं. और ऑब्वियसली पूरे 9 months नहीं ले सकती, जब शुरू के महीने आ रहे हैं या लास्ट मंथ्स में आ रहे हैं तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है उन्हें कि हाउ डू दे कैरी देम सेल्फ. और तो और जो इर्द गिर्द का जो माहौल है एक वो एक अलग ही प्रॉब्लम है. बिल्कुल, कैरी कैसे करना है उनको, कितनी फैसिलिटीज. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं और अपने व्यूअर से भी कहना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ देयर आर मैक्सिमम वुमेन हु आर वर्किंग बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग एट देयर होम्स, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी ख्वातीन भी हैं
जो कहीं ना कहीं ख्वातीन के लेबल को भी मिसयूज करती हैं। मैं अपने मेल व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने एनवायरनमेंट में ऐसे भी कोई मामला पेश आए जिनमें आप हरास हो रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो कॉल अस एंड ऐड योर कमेंट इन दैट। तो कमिंग टू यू मैम, जिस तरह आप अभी जिक्र करी थी कि क्योंकि आपके पास एज हम जैसे हम अभी काफ़ी देर से यही बात करें कि हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, कभी किसी मेल की तरफ से भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई है कि वो फीमेल से हरास हुआ हो? जी लेकिन ये बहुत रेयर है, हमारे माशरे में परसेंटेज बड़ी लो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत कम है। ऐसी जगह पे जहाँ फीमेल बहुत डोमिनेटिंग पोजिशन में हो और बहुत कोई एक आध, लेकिन औरतें तो बेचारी, बट आई थिंक इसके शायद कोई फीमेल हो कि जो हरास ना हुई हो, जो जॉब कर रही है। हरास मींस के ये नहीं है कि उसको कोई पकड़ के ले गया हाथ से, तो ये कि आप जैसे कुरान में है ना, अभी कुरान की बात हो रही थी। अच्छा दो चीज़ें मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आई हैव स्टडीड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ना, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा हुआ है बहुत। इस्लाम में मर्दों के लिए कुरान में लिखा गया है कि मोमिन मर्द अपनी नजरें नीचे रखें। मोमिन औरतों को, उन्हें तो बेचारियों ने अल्लाह को भी पता है कि उन्होंने तो पहले ही अपने आप को छुपा के रखना है, बिल्कुल। उन्हें सिर्फ यही है कि अपने आप को कवर्ड अप रखें, फेस कवर नहीं, कि आपका आपका जो बॉडी कवर है ना उसे कवर रखें। अच्छा मैं आई एम कमिंग बैक टू यू, वी जस्ट हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आयशा बात कर रही हूं। जी जी आयशा फरमाइए। मेरा सवाल है कि मैं काफी अरसे से ना एक कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सेम हम लोगों की फील्ड है और सेम ही पोजीशन है हमारी तो। लेकिन अब मसला ये है कि उनकी सैलरी ज्यादा है और मेरी सैलरी कम है, तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आप दोनों का? हेलो, आपका डेजिग्नेशन सेम है? जी डेजिग्नेशन सेम है लेकिन सैलरी डिफरेंट है और एक्सपीरियंस। जी जी कंटिन्यू करें। जी मैं, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है और डेजिग्नेशन भी सेम है लेकिन हम लोगों की सैलरी जो है ना दोनों की डिफरेंट है, मेरी कम है उनकी ज्यादा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? नहीं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस कितने हैं आपके हस्बैंड का और आपका? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, जितना भी है बस वो ये बता रही है कि सेम है। कमल आपसे जानना चाहूंगी कि आप देखें कि जिस तरह वो बता रही है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, सेम वैसे होता बहुत रेयर है कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग इन अ सेम इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन सेम लाइक वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ और उसके बाद आपकी सैलरी डिफरेंट है, ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल कॉमन है, बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही है सेम काम, मगर एक ही लेवल पे पोजिशन पे जब मेल और फीमेल होते हैं अक्सर फीमेल की सैलरीज आर लोअर, जैसे हमजा साहब भी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में ये है, बाय द वे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। और मैं बहुत सारे लोगों को हायर करती हूँ, फीमेल्स को भी हायर करती हूँ, मेल्स को भी हायर करती हूँ। मैंने देखा है कि जो मेल्स हैं वो अपने आप वो बहुत ज़्यादा निगोशिएट करते हैं आके, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो निगोशिएट करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ पे ना, उन्हें लगता है वो यहाँ पे, वो अपने आप को परसीव यहाँ पे करते हैं और वो अपने आप को सेल यहाँ पे करते हैं। और औरतें जो हैं वो थोड़ी सी, मैं हेस्टी जनरलाइजेशन जरूर कर रही हूँ यहाँ पे, मगर मैंने जनरली ये देखा है औरतें जो यहाँ पे होती हैं अपने आप को सेल यहाँ पे कर रही होती हैं और वो अपने उस तरह से अग्रेसिवली नेगोशिएट नहीं करती। औरतें अंडर कॉन्फिडेंट होती हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं, अंडर वैल्यू करती हैं, इतना अग्रेसिवली नेगोशिएट नहीं करती हैं। अच्छा इंटरव्यू के लिए आपको एग्जैक्टली फिर क्या किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए बीइंग अ वूमन? आई थिंक कि बीइंग अ वूमन सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करे। सबसे पहले यू शुड नो हु यू आर, यू शुड नो व्हाट योर वर्थ, यू शुड नो व्हाट योर वैल्यू इज, व्हाट वैल्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। पहले जैसे डॉक्टर शिवाना कह रही थी कि ठीक है अगर आप औरत हैं और आप बहुत सारे काम नहीं कर सकती जो आपके मेल कॉलीग कर सकते हैं, वो एक और बात है, मगर इफ यू फील कि आप योर इक्वल, आप कंट्रीब्यूटर हैं, आप उसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही हैं, देन यू शुडंट बी पेड लेस, यू शुड नो योर वर्थ एंड टेक अ स्टैंड फॉर इट। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है औरत को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है, इफ शी इज वर्थ इट एंड शी इज गिविंग दैट डिजर्विंग। सेकंडली व्हाट शुड बी योर ड्रेस कोड, लाइक इफ यू आर गोइंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन इंटरव्यू, तो आपको ड्रेस किस तरह का कैरी करना चाहिए? आई थिंक ड्रेस कोड में इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ,
कि जिस तरह आपका जो यूनिक स्टाइल है अभी देखें हम चार लोग इधर बैठे हैं बल्कि छह लोग इधर बैठे हैं और यहाँ पे सबका अलग एक ड्रेसिंग स्टाइल है सब बिल्कुल एवरीबडी इज ड्रेस्ड वेरी डिसेंटली एवरीबडी इज लुकिंग वेरी नाइस और सबकी अपनी ग्रेस है और सबकी अपनी ग्रेस है तो ऑथेंटिक एक तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ ज़ाहिर है अगर आपका कहीं पे यूनिफॉर्म है आपने यूनिफॉर्म पहना है जैसे इन्होंने सिस्टर का यूनिफॉर्म पहना तो जो यूनिफॉर्म है वो तो आपने यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है मगर अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है तो बी ऑथेंटिक मैं अमेरिका में भी थी या जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी थी तो आई यूज़ टू ड्रेस अ लिटिल डिफरेंटली मैं उस तरह नहीं ड्रेस करती थी जैसे बाकी लोग बाकी औरतें ड्रेस करती बिकॉज़ आई वाज ऑथेंटिक टू माई सेल्फ मुझे पता है कि मैंने अपने वैल्यूज़ को भी रखना है अपने जो मेरी जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं इन द वे what I can show, what I cannot show, I have to take care of that as well. तो अब मैं एक कंपनी में CEO, दूसरी कंपनी में चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर सेल्स ऑफिसर जो भी I still wear all this, ठीक है I wear this चादर I wear this दुपट्टा this is how I carry myself. So I'm authentic to myself. You should be dressed decently. एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगी कि when you're in Roman dress, like the Romans की वाली बात कि मुझे मैं केस आपको बताती हूँ दुबई में एक केस हुआ एक कंपनी बड़ी कंपनी में जहाँ पे ये हरासमेंट का केस था जहाँ पे आदमी द मेल पर्सन ओपन्ड अ केस फॉर हरासमेंट अगेंस्ट हिज फीमेल कॉलीग बिकॉज दैट फीमेल कॉलीग वॉज ड्रेसिंग वेरी इनअप्रोप्रिएटली एंड सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम तो उसने ये केस खोला कि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड आई कैन नॉट वर्क लाइक दिस व्हेन शी इज ड्रेस्ड लाइक दिस एंड इट वॉज अ वेरी आई एम क्लोज टू दैट केस बिकॉज इट वॉज मेरे उसमें आई वाज वन ऑफ द एडवाइजर्स बट आई रिमेंबर कि एट द एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ वेरी डिस्कशन एंड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स द कंक्लूजन वाज कि ही इज राइट यू नो ही इज राइट औरतों को थोड़ा सा आई मीन यू हैव टू अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का मतलब है कि यू हैव टू ड्रेस इन अ वे वेयर यू आर नॉट सो आउट देयर सो ओपन एंड चैलेंजिंग अदर पीपल Exactly, जैसे आपने बात तो लोगों ने घरों में जीन्स पहनी है लड़कियों ने शॉर्ट शर्ट्स पहनी है टॉप पहने हुए हैं और जैसे ही वो बाहर जाती हैं दे वेयर ए चादर हम खुद को कवर कर लेते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरह का अच्छा उसके बाद कुरान में भी ये नहीं है कि आप फेस कवर करें कुरान में भी ये है कि आप अपना जो है यानी आपकी बॉडी आपकी जीनत शुड बी कवर्ड और लोगों को अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए ये मैं कह रही हूँ कुरान में नहीं लिखा है मैं चाहूंगी कि आप चारों उसमें कंट्रीब्यूट करें लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर लेंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा नाम सारा है और इस्लामाबाद से मैं बात कर रही हूँ मेरा सवाल है टैरो कार्ड रीडर के हवाले से कि मैंने अप्लाई किया हुआ था मल्टीनेशनल फर्म में जॉब के लिए अब मेरी जॉब के हवाले से तो मुझे कोई पॉजिटिव उम्मीद नजर आ रही है लेकिन मेरा रिश्ता भी हुआ है और शादी भी होने वाली है तो ससुराल वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि शादी के बाद मैंने जॉब नहीं करनी तो काइंडली मुझे बताएं कि क्या मल्टीनेशनल फर्म मेरे लिए शादी के बाद भी बेहतर हो सकती है क्या मैं उसको ओके कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं अगर आपकी शादी हो जाती है तो आप जॉब नहीं कर सकती हैं अगर आप जॉब कर रही हैं तो वो शादी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अप योर ओन पर्सनल माइंड देखें अल्लाह ने आपको भी माइंड दिया एजुकेशन दी है एंड यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ जॉब प्रोफेशनली तो अगर आप शादी करती हैं हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि लड़की की अगर शादी है तो उसने अपने ससुराल वाले या शौहर की बात तो जरूर मानी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपका निकला है नाम क्या बताया था आयशा सारा मेरे सारा आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है पेज जो होता है ना वो हुक्म मानता है अपने बादशाह की अपने रूलर की अपने पेरेंट्स की अपने हस्बैंड की आप जो भी डिसीशन लेंगी आप किसी ना किसी की फॉलो करेंगी एडवाइस को बी वेरी केयरफुल कि आप सिलेक्शन करते हुए कौन सी डायरेक्शन फिर देखें जो मैंने ओरिजिनल बात की थी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड भी उनका वही निकला है शी हैज़ टू बी वेरी श्योर विच डायरेक्शन शी वांट्स टू टेक आर दे इक्वली कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर और कैन शी म्यूचुअली कैरी बोथ ऑफ दीस थिंग्स ठीक सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अच्छा नाउ राइट नाउ उनका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया हां
तो अब मैं चाहूंगी कि जो सवाल जिसकी मैंने बात की थी कि आप सब उसमें कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज ऑल ऑफ यू एक्चुअली रिलेट टू द वर्क प्लेस इशूज एंड ऑल. क्या ख्वातीन कोई शॉर्टकट्स भी अपनाती हैं जल्दी प्रमोशन के लिए और जॉब में कोई खास मुकाम हासिल करने के लिए? वो शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा मिस मीरा, इफ यू डोंट माइंड, पहले मैं फिनिश कर लूँ. अच्छे कुरान में औरत को ये नहीं कहा गया कि वो कम है, सिर्फ गवाही के लिए इन अ कोर्ट, और वो भी दो औरतों की गवाही इक्वल नहीं है. ये ऐसे ना मौलवियों की मिसप्रिटेंड किया गया चीज़ों को ना. वो ये है कि एक औरत, क्योंकि वो 1400 साल पहले की बात है, बल्कि मोर देन 1400 ईयर्स, तो कि एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट के लिए जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अकल कम है. ये कि औरतें उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलती थी, कि एक दो औरतें होंगी तो उसको मॉरली सपोर्ट रहेगी ना. अच्छा दूसरी बात ये कि औरत जितनी कॉन्फिडेंट हो, जितनी गुड लुकिंग हो, जितनी ज़्यादा एजुकेटेड हो, आपके एनवायरनमेंट डिफेंसिव हो जाता है. आपकी फीमेल बॉस है आपसे डिफेंसिव हो जाएगी, मेल बॉस है वो कहेगा लो जी एडी सोनी है तो मेनू की फायदा. रियली ऐसे ही है, ये सब लोग एग्री करेंगे. आप कहेंगे लो जी तुम यहाँ पहुँच गई हो, हमारे पास आई हो, तो हम तुम्हें क्यों फैसिलिटेट करें? वी डोंट फैसिलिटेट, आई विल वर्क माई सेल्फ, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, आई नो माई जॉब डिस्क्रिप्शन, लेट मी डू दैट. एंड यू आर एन एग्जांपल. क्या आप आशा पिछले 30 से ज्यादा सालों से काम कर रही है, यू आर वर्किंग एज एन आयरन लेडी इन सच अ फील्ड जो कि एक टैबू है, हर कोई इसको रिस्पेक्ट नहीं देता, लेकिन देनी चाहिए. इट्स अ वंडरफुल फील्ड, सैल्यूट टू योर फील्ड. जी मूविंग ऑन, हमारे साथ मिस्टर जंजानी ने हमें ज्वाइन किया है, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली. जी इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, आपके कहेंगे इस हवाले से. शॉर्टकट के हवाले से दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और मैं ये कहूँगी कि हमारा ना कल्चर एक इस तरह का बना दिया गया है कि वो जो थोड़ा सा ये इस तरह की कर रही है उनको फायदा हो रहा है, और जब वो देखते हैं कि अच्छा फायदा हो रहा है तो फिर सम वुमेन ऑब्वियसली अच्छा, और जब वो खत्म करती है तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है. सो इट वर्क्स बोथ वेज, फायदा भी हो रहा है और दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है. तो वुमेन गेट ट्रैप्ड इन दैट cycle sometimes in that scenario, and I've coached women, young women who are trapped in that cycle, right. aur main jo unko advice deti hu, main kehti hu ki jo risk allah ne likha hai wo milke hi rehna hai aapko, wo kahin nahi jayega. Your self respect and how is the most important thing, self is the most important thing. So I think you have to take care of your self respect and not get stuck in that cycle. Bilkul sahi, and have the character of strength to come out of that. Acha अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से कतरा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे. आपने ये चीज देखनी है, चाहे ख्वाह एक मर्द है या औरत है, खातून है, अगर आपने कोई चीज अचीव करनी है, कोई मर्तबा अचीव करना है, तो वहाँ पे मेहनत तो लगेगी. बिल्कुल. एनीबॉडी इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट थ्रू अ शॉर्टकट इज एक्चुअली going to cut. It's not a good way. Long term में ये permanent नहीं है. इसी के साथ साथ मैं Mr. Zanjani को add करती हूँ. It's not a way actually. Yes, you're right. जी Mr. Zanjani, आप हमें सुन सकते हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. आज आप हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ख्वातीन के बारे में, तो आपके सितारे क्या कहते हैं हमारी ख्वातीन के जो मसले हैं वो कब तक हल हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका. और ऐसा है कि सबसे पहले तो ख्वातीन की अगर मैं बात करूं, आपका माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपका पैनल माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है इसके ऊपर. हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग जब भी किसी मर्द हो या ख्वातीन उनका जायचा बनाते हैं, स्पेशली ख्वातीन का, तो हर ख्वातीन के जायचे के अंदर बिल्कुल ये पोटेंशियल होता है कि वो माशरे में आके काम करे, अपने करियर को आगे लेके जाए, अपनी सलाहियत को उजागर करे, और इसके अंदर तमाम ख्वातीन के जो प्लैनेट्स हैं उनको सपोर्ट भी करते हैं. जैसे हम लोग कुछ ज़ोडिक साइन का मैं जिक्र करूंगा, जैसे एरीज वाली ख्वातीन होती हैं, फिर जेमिनी वाली ख्वातीन अगर हों, लियो वाली, वर्गो, फिर उसके बाद सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस. ये ऐसी ख्वातीन होती हैं जो बाय बर्थ इनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी जिंदगी में काम करें, आगे बढ़ें, और हम अपने हुनर से और फन से पहचाने जाएं.
फिर कुछ ऐसी खातिन होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जिनका जॉडिक साइन टॉरस हो, कैंसर हो, या पाइसिस हो, या कैप्रिकॉन की अगर हम बात करें, तो ये ऐसी खातिन होती हैं कि जिनको कई दफा माशरे में जरूरत के तहत काम करना पड़ता है या मजबूरी के तहत इनको काम करना पड़ रहा होता है, और उस वजह से ये तैयार नहीं होती माशरे के उन मामलात या मसाइल को फेस करने के लिए जो इनको वर्किंग एनवायरनमेंट में देखने पड़ते हैं। क्योंकि जिन खातीन का पहले मैंने जिक्र किया, उनके जायचे के अंदर कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं कि बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना, उनमें बोल्डनेस भी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है उनकी मेमोरी के हवाले से दूसरों को लाजवाब करना हो या अपने फन और हुनर से मनवाना हो, वो उनके अंदर पाया जाता है। अब जहां तक बात है ख्वातीन के मसाइल की, देखिए एस्ट्रोलॉजी जब भी की जाती है तो सबसे पहला असूल उसका ये होता है, हमें ये देखना पड़ता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस माहौल और किस मुआशरे में पैदा हुआ है, वहां से उसकी सीढ़ी और वहां से उसके काम का आगाज होता है। कि पाकिस्तान के अंदर ख्वातीन के जो मसाइल हैं वो कुछ और होंगे, आप दुनिया के किसी और मुल्क में चले जाएं वहां पे ख्वातीन के मसाइल कुछ और होंगे। एक जनरली भी हमने एक चीज अज्यूम कर ली है कि मर्द को हम फ्रंट पे रखते हैं और औरत जो है उसको बाद में रखा जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि ख्वातीन एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो इनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है बर्दाश्त करने का, काम करने का, इनकी विल पावर एस्ट्रोलॉजी के लिए अभी हम अगर देखें तो वो मर्दों की निस्बत ज्यादा होती है क्या अपनी बात है। सलाहियत को और अपनी सलाहियत का मनवाने का। तो मैं हमेशा जो खातीन मेरे पास आती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि हम उनको उनके वो वीक पॉइंट्स वो उजागर किए जाएं, उनकी रेमेडीज की जाए, ताकि ये माशरे के अंदर अपने इल्म के मुताबिक अपने आप को मनवा सके। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक और मेरा क्वेश्चन है कि ये बताइए कि कौन से स्टार्स हैं जिनमें से फीमेल बॉसेस आपको ज्यादा लगता है कि वो अच्छी ज्यादा बन सकती अच्छी हैं, बन काबिल सकती बन है। सकती हैं। सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल। कौन से स्टार्स ऐसे हैं, किन खवातीन के स्टार्स ऐसे होते हैं अच्छा, जिनमें वो फीमेल बॉसेस वैसे आपको लगता है ज्यादा परसेंटेज पे होती हैं? ऐसा है कि वो खवातीन जो जिनका ताल्लुक लियोस से हो, जिनका ताल्लुक लिब्रा से हो, इनका ताल्लुक एक्वेरियस से हो और कैप्रिकॉन से हो, और खास तौर पे कैप्रिकॉन्स की मैं बात करूंगा, ये ऐसी खातीन होती हैं जो कि बाय बर्थ बिजनेस वुमेन होती हैं। ये क्या बड़ी बात है। अच्छे, देखें इसमें दो चीजें और भी हैं, एक होता है बिजनेस करना, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, कि किसके अंदर जंजानी साहब हम यहीं एडमिनिस्ट्रेटिव से कंटिन्यू क्वालिटीज करते हैं, ज्यादा हमारे हो। साथ एक कॉलर है, प्लीज मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए। जी मैं मुस्तफा लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा जिनजानी साहब से एक क्वेश्चन है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ 50% मेल स्टाफ है, 50% फीमेल स्टाफ है। जो फीमेल्स हैं वो ज्यादातर औरत कार्ड का इस्तेमाल करती हैं, बात मतलब हमारे सामने कुछ और होती है और जो बॉस है उनके सामने जाकर कुछ और बात करके, और जो फीमेल स्टाफ होता है उनके फंसा देते हैं। तो जिनजानी साहब ऐसा क्यों होता है, ये फीमेल ये जो इनको औरत कार्ड खेलना क्यों जरूरी है, इनके लिए इतना क्यों करते हैं? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। जी संजानी साहब बताइए। ये अभी हम कुछ देर पहले ऐसी ही कुछ गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ खवातीन जो हैं वो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बात कुछ और करती हैं अपने मेल बॉस के पास जाकर, मतलब होती कुछ कि और है, जरा कह दे कि माहौल खराब कर देती हैं अक्सर। तो क्या बात ऐसी करेंगे आप, क्या बताएंगे इस हवाले से? ऐसी देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि हमें ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमारे जितने भी अदारे हों, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो सब उनके असूलों के मुताबिक चल रही होती हैं। और जहां तक बात है कि खातीन कार्ड का इस्तेमाल करना और मर्द हजरात जो है वो पिस जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए अगर मर्दों के अंदर खातीन को इज्जत देना, खातीन के लिए हमदर्दी रखना और उनको भी अपने मुताबिक मौका देना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी खातीन होंगी जो अपना खातीन कार्ड इस्तेमाल करें या शॉर्टकट करके आगे जाने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं पे मर्दों के हवाले से भी कोई कमी वाकया होगी जिसकी वजह से उनको आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इसका सबसे बेहतरीन रेमेडी ये है कि मर्दों को भी चाहिए कि अपने फन से,
अपने हुनर से और अपने इल्म से आगे जाने की कोशिश करें और ख्वातीन को भी साथ लेके चलेंगे तो शायद अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ऐसे नहीं मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे। जानी साहब आप गुफ्तगू कर रहे थे, बुशरा ने सवाल किया था आपसे कि कौन से स्टार्स की जो ख्वातीन है वो ज्यादा अच्छी लीडर बन सकती हैं। जी लियो चूंकि एक ऐसा जोडिक साइन है जिसका ताल्लुक रूलिंग प्लैनेट सन है जो कि तमाम प्लैनेट्स को एनर्जी देता है, तो ऐसी ख्वातीन के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं लीडर बनने की। फिर उसके बाद एक्वेरियस कैप्रिकॉन्स वाली ख्वातीन के अंदर भी एबिलिटी होती है लीड करने की, लेकिन कुछ ऐसी ख्वातीन होती हैं जिनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज बहुत अच्छी के वो लीडर के साथ साथ गुफ्तगू और बोलने में भी बहुत अच्छी होती हैं। उनमें जेमिनाई वाली ख्वातीन, उनमें वर्गोज वाली ख्वातीन जो हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। फिर कुछ ऐसी ख्वातीन हैं कि जो सिर्फ अपने काम की वजह से पहचानी जाती हैं, जिनके अंदर सर फहरिस्त आती हैं लिब्रा वाली ख्वातीन, टॉरस वाली ख्वातीन, और फिर कुछ ऐसी भी ख्वातीन होती हैं जो सिर्फ माँ बन के रह जाती हैं और उनका जो काम होता है वो ममता से रिलेटेड होता है। इसके अंदर कैंसेरियंस और पाइसिस वाली ऐसी ख्वातीन हैं जो मेजॉरिटी ऐसा लगा है कि वो काम नहीं करती। जानी साहब आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं, मेरा स्टार हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जांपल बैठी हुई है जी, मिस कैंसर हैं ये, कैंसेरियन है और देख लें मेरे ख्याल से शी इज अ बॉस लेडी। अगर ये अगर आप भी कैंसेरियन हैं और जो यहाँ पे मौजूद वो भी कैंसेरियन है तो मैं एक चीज दावे से कह सकता हूँ कि आप अपने काम को बिल्कुल ऐसे करते होंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती और लगाव रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कामों को बहुत ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जंजानी साहब अपना कीमती वक्त निकालने के लिए मेरी सहेली के प्रोग्राम में। जी कबल चीमा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम और हमारे से शेयर करने के लिए अपना पर्सनल नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो वर्क प्लेस इश्यूज है वो भी आपने शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिस्टर साजदा इमदाद, आपने बताया सल्यूट टू योर फील्ड फॉर यू बींग अ नर्स माशाल्लाह कि मोर देन 30 ईयर्स से आप हम सबकी खिदमत कर रही है और ये खिदमत खल्क है, ये बहुत बेहतरीन फील्ड है, आपको इसमें हमेशा कामयाबी दे और हमारा नाम रोशन करती रहे पाकिस्तान का। जी जब हम बात करते हैं आशीष शेख से, थैंक यू फॉर डीलिंग आउट ऑल द क्लाइंट फॉर लास्ट 8 ईयर्स एंड मे यू एक्सेल इन दिस फील्ड। थैंक यू मिस लाला रुक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मजे के क्वेश्चंस बताए और उसके आंसर इतने पॉजिटिव निकले हैं कि वी फील सो हैप्पी कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो खवातीन का ही है बेहतरी हो सबके लिए, मर्द खवातीन सबके लिए, और पाकिस्तान का बेहतरीन मुस्तकबिल हम सब के लिए फायदेमंद साबित हो। जी बिफोर वी रैप अप द चैप्टर ऑफ मेरी सहेली टुडेज एपिसोड, क्यों मीरम बिल्कुल चाहूंगी कि हम आप सबके क्लोजिंग रिमार्क्स लें आज के। जी कवल आप बताइए मेरा कैसे हम इस माइंडसेट को चेंज करें। एक मैं औरतों से बात करती हूँ और औरतों से मुखातिब होती हूँ, और क्लोजिंग रिमार्क जो है वो एक सेंटेंस का होना चाहिए ताकि याद रहे जी, जी। और वो मैं यही कहूंगी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें और अपना सेल्फ इमेज। बहुत शुक्रिया जी सिस्टर साइजा। जी मैं इन्हीं को सेकंड करते हुए मैं ख्वातीन से यही कहूँगी, लड़कियों से यही कहूँगी कि अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और सारी चीज़ें हटती चली जाती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट यू शुड बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख्वातीन अपनी पहचान जो है वो बनाएं, खुद में कॉन्फिडेंस सेल्फ फील करें और अपने घर में अपनी बेटियों को अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस जो है वो दें, तभी वो आगे जाकर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये कहूँगी कि जी नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी ने सेट की हैं वो कोई अल्लाह की किताब नहीं है। मेक योर ओन नॉर्म्स, जो सिचुएशन में आप हैं उससे आप ट्रू रहें, अपने सेल्फ से ट्रू रहें, और जैसे उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात कॉन्फिडेंट रहें कि आप सही जगह जा रहे हैं, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आसानी नहीं है, इट्स अ पहाड़ पे चढ़ना, मुश्किल काम है बट यू विल सक्सीड। बहुत शुक्रिया जी मीरब, आप भी दीजिए अपने। मैं चाहूंगी बुशरा पहले आप जो है वो बताएं क्योंकि आपने सवाल पुट इन किया है। जी जी बिल्कुल जी, मुझे ये लगता है कि जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें एक औरत को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर। यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू वंडर्स, यू आर वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यस एंड दिस इज हाउ इट इज। सो प्लीज स्टे मोटिवेटेड एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द वर्किंग वुमेन हु जस्ट स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज एवरी डे एंड वर्किंग फॉर द एंटायर फैमिली, थैंक यू। और मैं बिल्कुल जाते जाते हमारे प्रोग्राम को रैपअप करने का टाइम हो गया है और मैं ये कहूँगी कि बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, आप हैं तो सब है, दैट्स बिल्कुल जान है तो जहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, उस पार बैठी उन सहेलियों को बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते रहिए इंशाल्लाह कल हम फिर से मिल रहे हैं मेरी सहेली में 12 नए टॉपिक के लाइव सेशन में। देखते रहिए अपना ये प्रोग्राम मेरी सहेली।